हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं अप्रैल माह के जनरल नॉलेज। सबसे शक्तिशाली सुपरनोवा तारों में विस्फोट की घटना का क्या नाम है? आंसर SN 2016 APS। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA को सर्वप्रथम कब एवं किसे कार्यकाल में लागू किया गया था? 1980s इंदिरा गांधी ने किया था। हाल ही में चर्चा में रहे भोपाल गैस त्रासदी कब एवं किस गैस के कारण घटित हुई थी? आंसर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस और आइसोसाइनेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मदद के लिए आयोजित होने वाले ऑनलाइन कॉन्सर्ट वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम में भारत की ओर से कौन से कलाकार शामिल होंगे? आंसर शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु एवं मझोले उपकरणों MSME के मदद हेतु कितने धनराशि की बृहद कोष की मंजूरी प्रदान की गई है? आंसर 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेटडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? आंसर रोहित शर्मा। चर्चा में रहे पर्यावरण प्रभाव आकलन का विनियमन किस कानून एवं किस मंत्रालय निकाय के तहत किया जाता है? आंसर इस पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006। मार्च 2020 के दौरान सभी जिंसों के लिए जारी किए गए थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? आंसर है 2011-12। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से आने वाले निवेश को सरल नियमों वाली प्राथमिकता वाली श्रेणी वन में रखा गया है? आंसर इज मॉरिशस। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में अग्रणी देश कौन है? आंसर है सिंगापुर, मॉरिशस और नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य के सभी सरकारी साधनों को इंग्लिश मीडियम में अनिवार्य रूप से तब्दील करने की आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST द्वारा नए मटेरियल की खोज के कारण चर्चा में रहे सूडो कैपेसिटर क्या है? आंसर है विद्युत ऊर्जा का भंडारण करने वाला सुपर कैपेसिटर। हाल ही में जारी हुई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH के राष्ट्रीय सूची में शामिल कितनी सांस्कृतिक परंपराएं यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? आंसर है 13। भारत के दवाओं के मानक एवं अनुमोदन क्लिनिकल ट्रायल और दवाओं की गुणवत्ता को निर्धारित करने की शीर्ष संस्था कौन है? आंसर है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में जलवायु के अनुसार खेती को लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर है बिहार। हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्रमशः कहाँ स्थित है? आंसर है लॉस बोनस क्रमशः फिलीपींस और लीमा पेरू। हाल ही में किस पर्वत पर एवं किसके द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए कृत्रिम रोशनी के द्वारा भारत का ध्वज उकेरा गया है? आंसर है मैटर हॉर्न पर्वत, मशहूर लाइट आर्टिस्ट गेरी हॉफस्टेटर। हाल ही में चर्चा में रहे मैटर हॉर्न पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? आंसर है अल्पस पर्वतमाला। वेट मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार करने की चर्चा में रहे वैश्विक पशु स्वास्थ्य संगठन OIE की स्थापना कब हुई एवं इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है 1924 पेरिस फ्रांस में है। सबसे तेजी से 5 करोड़ बार डाउनलोड किए जाने वाले
से चर्चा में रहे आरोग्य सेतु ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? आंसर है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन किस प्रतिष्ठित स्वतंत्र वैज्ञानिक अकेडमी का अध्यक्ष है? आंसर है द रॉयल सोसाइटी। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कृषि उपज को मीडिया तक पहुंचाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? आंसर है किसान रथ। हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 जारी की गई है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संधान परिषद द्वारा किस जीव से कोरोना वायरस के नए प्रकार VTCO की खोज की गई है? आंसर है चमगादड़। हाल ही में चर्चा में रहे त्यौहार त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है केरल। चर्चा में रहे नीति आयोग की संस्थापना कब की गई थी एवं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है 1 जनवरी 2015 प्रधानमंत्री करते हैं। चर्चा में रहे MSME के विनिर्माण क्षेत्र में प्लॉट और मशीनरी में निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के विभाजित की सीमा क्या है? आंसर है क्रमशः 25 लाख, 5 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। चर्चा में रहे MSME की सेवा क्षेत्र में प्लॉट और मशीनरी में निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की विभाजन की सीमा क्या है? आंसर है क्रमशः 10 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। चर्चा में रहे क्षेत्रीय संगठन आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत एवं किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1967 बैंकॉक घोषणा। चर्चा में रहे दक्षिणी चीन सागर पर दावा को लेकर चीन के साथ किन देशों के मध्य विवाद है? आंसर है वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान। हिम तेंदुओं के कारण चर्चा में रही नंदा नदी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड। चर्चा में रहे हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत और विश्व द्वारा कौन सी प्रमुख योजना चलाई जा रही है? आंसर है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी संरक्षण GSLEP। हाल ही में किस देश ने विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली अपनी फंडिंग को रोकने की घोषणा की है? आंसर है अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहे अल नीनो की घटना क्या है एवं यह किस स्थान से संबंधित है? आंसर है प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री जल के ऊपरी सतह का तापमान बढ़ना। हाल ही में चर्चा में रही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की स्थापना कब हुई? आंसर है 1911 इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में, 1949 से ICMR के रूप में। चर्चा में रहे ओजोन परत की क्षरण किन गैसों और रासायनिक पदार्थों के कारण होता है? आंसर है क्लोरोक्लोरोकार्बन, हैलोजन इत्यादि। अटल नवाचार मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रस्तुत कोलैब कैड क्या है? आंसर है 2D ड्राफ्टिंग की मदद से 3D प्रोडक्ट डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर। केंद्र एवं राज्य द्वारा क्रमशः किन प्रावधानों के तहत लॉकडाउन का प्रवर्तन किया जाता है? आंसर है केंद्र आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राज्य महामारी रोग अधिनियम 1897। प्रथम बार आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिसीज डे
को प्रति वर्ष मनाने हेतु किस तिथि का चयन किया गया है? आंसर है 14 अप्रैल। किस रोग को साइलेंट डिसीज या साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है एवं इस रोग के वाहक कौन है? आंसर है चागास रोग, ट्रायटोमिना एवं चुंबन कीड़े, किसिंग बग्स। हाल ही में चर्चा में रहे किस नदी को एशिया का गंगा कहा जाता है एवं यह किन देशों में बहती है? आंसर है मेकांग नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देशों में बहती है। हाल ही में किस संस्था और मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला को प्रारंभ किया गया है? आंसर है पर्यटन मंत्रालय। चर्चा में रहे स्वाइन फ्लू के वाहक वायरस का नाम क्या है? आंसर है H1N9। किस भारतीय अमेरिका के मूल लोगों को 2020 गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? आंसर है प्रदीप शर्मा, कविता रमन, दिलीप दाचुन्हा और मुकुल शर्मा। हाल ही में चर्चा में रहे यूनेस्को की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है 16 नवंबर 1945 पेरिस फ्रांस में है। हाल ही में चर्चा में रही संघीय साइबर एजेंसी CERTN कब अस्तित्व में आई एवं यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आंसर है 2004 में आई, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए कार्य करता है। पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई की मृत्यु की चर्चा में रहे अटॉर्नी जनरल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? आंसर है अनुच्छेद 76। हाल ही में उस शिक्षा संस्थानों के शोध कर रहे छात्रों को पुस्तकें एवं जनरल उपलब्ध करवाने वाले किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? आंसर है शोध सिंधु। चर्चा में रहे सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा बनाए गए दापोरिजो पुल का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी नदी। हाल ही में चर्चा में रहे स्वयं और स्वयं प्रभा क्रमशः क्या है? आंसर है क्रमशः राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल और शैक्षणिक चैनल। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है फोर्टालेजा घोषणा पत्र 2014 शंघाई चीन। चर्चा में रहे ऑनलाइन ग्लोबल कॉन्सर्ट वन वर्ल्ड टुगेदर एट होम का आयोजन किस संस्थाओं के द्वारा कराया गया है? आंसर है ग्लोबल सिटीजन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में चर्चा में रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गठन कब किया गया था एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है 1989 पेरिस फ्रांस में है। किसके उपलक्ष्य में प्रत्येक 21 अप्रैल को लोक सेवा सदन दिवस मनाया जाता है? 1947 में प्रथम बार सिविल सेवकों के सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संबोधन किया गया था। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसे आई लीग 2019-20 सत्र का विजेता घोषित किया गया है? आंसर है मोहन बगान। चर्चा में रहे जीका वायरस का संक्रमण किससे होता है? आंसर है एडीज जीन से संक्रमित मच्छर के काटने से। कोविड-19 से संक्रमित मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से सफलता इलाज करने वाला भारत का प्रथम अस्पताल कौन है? आंसर है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। किस राज्य के द्वारा कोरोना वायरस को सेवा के दौरान जान गंवाने पर शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है? आंसर है ओडिशा सरकार। परमाणु परीक्षण के संदर्भ में चर्चा में रहे जीरो यील्ड मानक से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऐसे परमाणु परीक्षण जिसमें कोई एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन नहीं हो। हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है विश्वनाथन आनंद। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर दुनिया का सबसे कुशल देश कौन है? आंसर है भारत। विश्व होमोफिलिया दिवस WST किस तिथि को मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 की थीम क्या है? आंसर है 17 अप्रैल गेट प्लस इन्वॉल्व।
भारत में विदेशी मुद्रा और धन संशोधन। भारत में विदेशी मुद्रा और धन शोधन के संदर्भ में अवैध वित्तीय गतिविधियों को किन कानून द्वारा विनियमन किया जाता है? आंसर है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, FEMA और धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002, PMLA। हाल ही में चर्चा में रही अंडमान और निकोबार में किन प्रमुख जनजातियों का वास है? आंसर है 6 जनजातियां, ग्रेट अडमानी, जारवा, अंगले, सैमपेन, निकोबारी और सेंटिनल। चर्चा में रही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD नाबार्ड का गठन कब और किस समिति के संस्तुति से की गई? आंसर है 1982, श्री बी शिवरामन समिति। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब हुई और एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर है 1990, लखनऊ में है। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय आवास बैंक NSP का स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ? आंसर है 1988, नई दिल्ली। हाल ही में चर्चा में रही कैसिनी मिशन को किस ग्रह की जानकारी के लिए और किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? आंसर है शनि ग्रह, अमेरिका। मार्च 2020 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में फंडिंग के संदर्भ में शीर्ष देश कौन है? आंसर है अमेरिका, चीन और जापान। पारदर्शिता के मानकों के अभाव के कारण देश के 7 प्रमुख IIT ने किस हायर एजुकेशन रैंकिंग के बहिष्कार करने के निर्णय लिया है? आंसर है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। भारत में दवाओं की गुणवत्ता अनुमोदन और चिकित्सीय उपकरण का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? आंसर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017। COVID-19 के रोगियों के इलाज के संदर्भ में चर्चा में रहे कुष्ठ रोग में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन का क्या नाम है? आंसर है वैक्सीन माइक्रोबैक्टेरियम WMW। हाल ही में किस संस्था और विभाग के द्वारा मास्क पहनने की वकालत करने के लिए टीम मास्क फोर्स अभियान की शुरुआत की गई है? BCCI द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा आदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और समुद्री डाकू विरोधी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? आंसर है ऑपरेशन संकल्प। हाल ही में विद्युत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार के द्वारा किस विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया गया है? आंसर है विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रक्रिया पर विकसित किए गए मास्क का क्या नाम है? आंसर है ट्राइबो ई मास्क। हाल ही में चर्चा में रहे साइटोकिन स्टॉर्म क्या है? आंसर है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का अत्यधिक सक्रिय होना और अधिक मात्रा में साइटोकिन्स का निर्माण होना। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किन देशों को से भारतीय कंपनियों में होने वाले निवेश को केंद्र से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर है भारत की स्थल सीमा में लगे सभी देश। कृत्रिम रोशनी के द्वारा भारतीय ध्वज को बनाने से चर्चा में रहे अल्पस पर्वतमाला में स्थित मैटरहॉर्न पर्वत किन देशों की सीमा में स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड और इटली। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? आंसर है 1962। वैश्विक स्तर पर जैविक हथियारों के विकास भंडारण उत्पादन और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली बहुपक्षीय संधि को क्या है? आंसर है बायोलॉजिकल एवं टॉक्सिन विपन कन्वेंशन BTWC 1972 में हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे बग स्निफर क्या है? आंसर है बैक्टीरिया की पता लगाने वाला बायोसेंसर। चर्चा में रहे वैश्विक आयन मंडलीय मॉडल पर आधारित आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क NNIM का प्रयोग
किन क्षेत्रों में होगा? आंसर है संचार और नौवहन। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी INST मोहाली द्वारा किस जीव से पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रो कैटलिस्ट का निर्माण किया गया है? आंसर है मछली, मछली के गलफड़ों से निर्मित। हाल ही में चर्चा में रहे डिकॉय प्रोटीन क्या है और इसका विशेष कार्य क्या होता है? आंसर एंजाइम है और प्रोटीन का कृत्रिम प्रतिरूप वायरस और बैक्टीरिया लुभाकर उन्हें नष्ट करना है। भारत सरकार द्वारा किसकी सह अध्यक्षता में COVID-19 के टीके के विकास और दवाओं के परीक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है? आंसर है नीति आयोग और सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। हाल ही में भारत सरकार के उद्योग के संदर्भ जारी हुए ओवरऑल बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कितना रहा और यह सर्वेक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है? आंसर है 42.9। यह संस्था कौन सी है? FICCI है। COVID-19 की संरचना के समान दिखने वाली औषधि या फूल का क्या नाम है और इसका मुख्य अनुप्रयोग क्या है? आंसर है ऑली या आयरन वुड, प्राकृतिक रंग बनाने में। चर्चा में रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के तहत भुगतान, लेखा और रिपोर्टिंग का अनिवार्य प्रबंधन किस प्रणाली के द्वारा होता है? आंसर है लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली PFMS। चर्चा में रही कॉर्पोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किस कंपनी की पहल है? आंसर है रिलायंस। जय प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने COVID-19 के टीके के विकास हेतु किस संस्थाओं का प्रस्ताव को वित्त पोषण हेतु मंजूरी प्रदान की? आंसर है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर है कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर अर्पणा माथुर। प्रतिवर्ष किस तिथि को एवं किसके स्मृति में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? आंसर है 23 अप्रैल, विलियम शेक्सपियर। वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में किस शहर की चयन किया गया है? आंसर है कुआलालंपुर, मलेशिया। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में प्रथम और आखिरी स्थान पर कौन से देश काबिज है? आंसर है क्रमशः नॉर्वे और नॉर्थ कोरिया। किस संस्था के द्वारा वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 द्वारा जारी किया गया है एवं सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? आंसर है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, 142वें स्थान पर। हाल ही में चर्चा में रहे से नमस्ते क्या है एवं किस संस्था के द्वारा इसे विकसित किया गया है? आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कॉन्क्रीट कंपनी। हाल ही में चर्चा में रहे डिकॉय प्रोटीन क्या है? आंसर है वायरस को आकर्षित कर नष्ट करने वाली कृत्रिम प्रोटीन और एंजाइम। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के कारण चर्चा में रहे महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 अध्यादेश द्वारा किस कानून की संशोधन किया गया? आंसर है महामारी रोग अधिनियम 1897। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 अध्यादेश के स्वास्थ्य कर्मियों के हमले की सजा की प्रकृति एवं अधिकतम सजा की अवधि क्या है? आंसर है संघे और गैर जमानती, अधिकतम 7 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की नौकरी के अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के 100% आरक्षण को रद्द कर दिया? आंसर है आंध्र प्रदेश। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल FRP की सिफारिश एवं मंजूरी क्रमशः किन संस्था द्वारा की जाती है? आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति। चर्चा में रहे इबोला, मर्म और सार्स की वायरस का मूल स्रोत कौन से जानवर और जंतु है? आंसर है चमगादड़। हाल
हाल ही में जारी हुए 2020 वर्ल्ड लीडर्स ऑन फेसबुक रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय नेता की उपलब्धि किसे हासिल है? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की तिथि को एवं क्यों मनाया जाता है? आंसर है 24 अप्रैल। इसी दिन संविधान में 73वां संशोधन होने की उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के द्वारा ड्रोन और नवीनतम तकनीक से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी भूमि के समय सीमाकरण और सत्यापन के लिए किसी योजना की शुरुआत की गई है? आंसर है स्वामित्व योजना। हाल ही में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए किस नए पोर्टल की शुरुआत की गई है? आंसर है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर सरकारी विरोधी सूचनाओं को सेंसर करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? आंसर है वियतनाम। चर्चा में रहे दक्षिणी चीन सागर के किन द्वीप समूहों को प्रशासित करने के लिए चीन के नए जिलों की स्थापना की है? आंसर है पैरासोल द्वीप समूह और स्प्रैटली द्वीप। हाल ही में चर्चा में रहे अंतरिक्ष मिशन नियानवेन-1 किस देश के अंतरिक्ष परियोजना है? आंसर है चीन का मंगल मिशन। अर्थ डे के 50वीं वर्षगांठ पर किस कवि के द्वारा अर्थ एंथम को लिखा गया है और किस संगीतकार ने इसे संगीत किया है? आंसर है कवि अभय कुमार। संगीतकार है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। हाल ही में दिवंगत हुआ उषा गांगुली की किस क्षेत्र से ख्याति हासिल थी? आंसर है प्रख्यात रंगकर्मी थिएटर कर्मी। विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? आंसर है माई बुक माई फ्रेंड #MyBookMyFriend। आग लगने की घटना से चर्चा में रहे यूरोप के सर्वप्रथम संरक्षित वेटलैंड्स में शामिल विब्रेजा नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? आंसर है पोलैंड। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा स्टारलिंक 6 नामक मिशन के तहत 60 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा? आंसर है SpaceX। हाल ही में चर्चा में रहे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की शुरुआत कब की गई थी एवं इसका विकास किस संस्था ने किया है? आंसर है 2016 भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। हाल ही में CSIR ने डेंगू के इलाज के प्रयोग की जाने वाली किस जड़ी बूटी का कोरोना वायरस के मरीजों के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मांगी गई है? आंसर है झाड़ लता काक्यूलर हिस्रुटस। हाल ही में चर्चा में रहे उर्वरकों की घोषणा पोषण आधारित सब्सिडी की शुरुआत कब की गई एवं इसमें कौन से उर्वरक शामिल है? आंसर 2010 में फॉस्फेट और पोटास उर्वरक P&K। हाल ही में सरकार के द्वारा ई लर्निंग कंटेंट को विकसित करने और उसमें योगदान देने के लिए किस राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरू किया गया है? विद्यादान 2.0। घरों में क्वारंटाइन नागरिकों की प्रभावी निगरानी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के चर्चा में रहे मोबाइल एप्लीकेशन के क्या नाम है? आंसर है सनियम ऐप। पुणे नगर निगम द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा शयन उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया है? आंसर है ईरान। हाल ही में चर्चा में रही हर्ड इम्यूनिटी क्या है? आंसर है बड़ी आबादी की बीमारी से संक्रमित होकर सामूहिक प्रतिरोधकता की विकसित होना। इसराइल में पूर्णतः डिजिटल बैंक तैयार करने के कार्यक्रम से चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी ने रिलायंस जियो लिमिटेड को 10% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? आंसर है फेसबुक। प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है एवं वर्ष 2020 की थीम क्या है? आंसर है 22 अप्रैल को क्लाइमेट एक्शन।